अरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज़। रमज़ान का महीना चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है। रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही अगले ही दिन सुबह सुबह लोग ईद की नमाज़ अदा करते हैं, जो अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग जगहों पर अदा करते हैं। इस साल मुमरा में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ अलग सुविधा रखी गई है। मुमरा के कुछ उलमा इकराम हजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और लोगों तक इसकी जानकारी दी कि इस साल लोगों के लिए ईद की नमाज़ पढ़ने की सुविधा रखी गई है और एक ईदगाह बनाई गई है। और ये ईदगाह बनाई गई है मुमरा के बाईपास से सटे माउंट मेरी हॉल में, जो एक ओपन हॉल है जहाँ पर शादी पार्टी बर्थडे वगैरह होती है। उन्होंने ये जानकारी दी कि इस साल लोगों के लिए ये सुविधा इसलिए रखी गई है क्योंकि लोगों से जब मस्जिदें फुल हो जाती है तो लोग बाहर रोड पर आ जाते हैं, और रोड पर आने की वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से हमने ये सुविधा रखी गई है। आइए जानते हैं क्या कहा उलमा हजरात ने और क्या जानकारी दी। सबसे पहले बात तो मैं आप सभी मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर आए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पज़ है वो यह है कि इमसाल शहर मुमरा में पहली बार अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए एक इज्तिमाईयत, एक मेजॉरिटी का इंतज़ाम किया गया है कि ईदगाह में आएँ और वहाँ आकर के सब मिल कर के ईद की नमाज़ अदा करें। चूँकि हुआ ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये एक पाकीज़ा सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पंज वक्ता नमाज़ हो और जुमा की नमाज़ हो मस्जिद में अदा करते थे, लेकिन ईद की नमाज़ के लिए मस्जिद के बजाय आप ईदगाह का सिलेक्शन किया करते थे, ईदगाह में आते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि आपने ईदगाह के बजाय मस्जिद में नमाज़ अदा की। वो कारण क्या था? बारिश। बारिश की वजह से आपने मस्जिद में नमाज अदा की, वरना पूरी ज़िंदगी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में नमाज़ अदा किया करते थे। इसके पीछे एक हिकमत ये होती थी ताकि एक साथ लोग आएँ, एक साथ नमाज़ पढ़ें, तो मुसलमानों की इज्तिमाईयत, उसकी मेजॉरिटी लोगों की निगाह के सामने आए, उसका रोबो दबदबा कायम हो। इत्तेफाक ये है कि अफसोस की बात यह है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये सुन्नत मिटती चली जा रही है। मस्जिदों को हमने ही ईदगाह बना लिया है। ठीक है, मस्जिद में भी ईदगाह की नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बेहतर, अफजल और सुन्नत यह है कि हम सब ईदगाह में आएँ और वहाँ आकर के नमाज़ अदा करें। शहर में कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ लोग ईद की नमाज़ें पढ़ते हैं, ग्राउंड में, फील्ड में, वसी और इस मैदान में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अहले सुन्नत की वल जमात की तरफ से ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ लोग आकर के किसी ग्राउंड में, किसी हॉल में आकर के नमाज़ अदा करें। तो हमने सोचा कि मिसाल इसका इंतज़ाम होना चाहिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। होता यह है कि लोग मस्जिद के अंदर, जगहें तंग होती हैं, तो मस्जिद अगर फुल हो गई लोग रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो लोग रोड पर नमाज़ पढ़ने के बजाय बेहतर यह है कि ईदगाह आएँ और यहाँ आकर के नमाज़ अदा करें। ठीक है, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं उस इस्लाम ने ये कहा है कि इमातुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते के अंदर कोई गिरी पड़ी चीज़ हो, तकलीफ़ देने वाली चीज़ हो, तो उस तकलीफ़ देने वाली चीज़ को आप हटा दिया करो। हम ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्लॉक कर देने की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। तो जो इस्लाम रास्ते की गिरी पड़ी चीज़ों को, रास्ते की मतलब तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटाने का हुक्म दिया है, और हम नमाज़ पढ़ करके दूसरों को, दूसरे के रास्ते को ब्लॉक करके उसको तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं, ये कैसी इबादत है? तो हम सब कोशिश करें कि रास्ते पर, रोड पर नमाज़ पढ़ने के बजाय मस्जिद के अंदर अगर जगह हो जाए तो ठीक है, वरना फिर आप, बेहतर आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप ईदगाह आएँ और वहाँ करके नमाज़ अदा करें। आखिर में मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि चूँकि जहाँ हम लोगों ने नमाज़ पढ़ने का इरादा किया है ये माउंट मेरी हॉल है, यहाँ के ज़िम्मेदारान से बातचीत हुई, यहाँ हम लोगों ने नमाज़ पढ़ने का की एक प्लानिंग की है, इंशाल्लाह 8:15 पे यहाँ पे जमात खड़ी हो जाएगी। एक ही जमात होगी अभी। हॉल की कैपेसिटी क्या है, कितने लोग पढ़ सकते हैं? इंशाल्लाह 4000 के करीब लोग आ सकते हैं। उमरा की आबादी को देखते हुए 4000 के लिए अगर आप ईदगाह का इंतजाम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 4000 माउंट मेरी हॉल में आएंगे जी। उसके बाद हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, लोगों का अगर क्राउड ज़्यादा होगा तो पीछे कई हॉल ऐसे हैं
जो खाली हैं, सब लोगों से बातचीत हो चुकी है इंशाल्लाह। एक ही कहना है, आपने कहा कि यहाँ पर ईदगाह का इंतजाम किया गया है, अभी जो है मुमरा से खौसा यानी रेती बंदर वगैरह ये इतना इलाका बड़ा है, लोगों को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत इतना बड़ा वहाँ से यहाँ पर आने में, तो कहीं ऐसा उस जगह पर भी कहीं ऐसा इंतजाम है जो लोगों को आसानी हो, आ जाते लोगों में से बढ़ जाए? देखिए दारुलफलाह में इंतज़ाम तो है ही, कुछ लोग वहाँ पढ़ लें, उसके बाद आप गौसिया मार्ग ये तालाब पाले के पास भी एक जमात होती है बाहरी में, वहाँ भी लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जहाँ पे ऐसी जमात नहीं होती है, लोग रोड पे पढ़ते हैं या जिनके पास जो है आसपास में मस्जिदें नहीं है, वो ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आपने सही सवाल किया कि मुमरा की इतनी बड़ी आबादी वो इस छोटे से हॉल में कहाँ से आ सकती है। लेकिन हम लोगों ने ये इंतज़ाम कर रखा है इंशाल्लाह कि अगर 10,000 लोग भी आ जाएं तो यहाँ पर वो सब के सब आ सकते हैं। पूरा हॉल हम लोगों ने खाली करवा रखा है इंशाल्लाह, जैसे ही क्राउड आएगा हमारे वर्कर्स रहेंगे, हमारे जो है हमारी एक टीम है जो इसके लिए मुसलसल काम करेगी, वजू खाने का इंतज़ाम और इसके अलावा जो भी नीचे फर्श पर बिछाने की चीज़ें होंगी वो सब जो है इंशाल्लाह बिछा दिया जाएगा। आएँ लोग शौक़ से नमाज़ अदा करें, वजू करें, आमतौर पर तो लोग वजू करके ही आते हैं, लेकिन अगर वजू करके नहीं भी आए हैं तो उन लोगों के लिए हमने इंतज़ाम कर रखा है इंशाल्लाह, वो सारी सहूलियात यहाँ पर उनको दी जाएगी। मौलाना अभी जो एक शहर में मैसेज चल रहा है इस तरीके से जो हॉल वगैरह में नमाज अदा की जाती है, यहाँ पे शादी वगैरह होता है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये गलत फहमी लोगों के अंदर आमतौर पर आ जाती है और आना बजा भी है। देखिए जहाँ ईद की नमाज़ होती है ना उसको ईदगाह कहते हैं, ठीक है, और ईदगाह की ज़मीन दो तरह की होती है, एक तो यह है कि वो ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ़ हो, अगर ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ़ है ना तो वहाँ पर कोई भी शादी का इवेंट या प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ उसको नहीं बना सकते हैं, चूँकि ईद की नमाज़ के लिए वक्फ़ है। और अगर कोई ज़मीन ईद के लिए वक्फ़ नहीं है, वो कॉमन प्लेस है या सरकारी संस्था है या किसी प्राइवेट कोई प्राइवेट जगह है, लेकिन ऑनर ने इजाज़त दे रखी है आपको पढ़ने के लिए, तो साल में एक मतलब आप वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज में, बाकी दिनों में आप उसको चाहे प्ले ग्राउंड बना लीजिए, चाहे मैरिज हॉल बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना ये ईदगाह के लिए वक्फ नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारों ने यह फैसला किया कि आप ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो हम ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज़ में जो यहाँ पे मैरिज हॉल है या जो कुछ भी है हम उसको इवेंट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एक सवाल ये भी पैदा होता है आपके कहने से कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे नाच गाने भी होते हैं, तो मुझे जैसा कि पता चला कि ज़िम्मेदारों से कि नाच गाने नहीं होते हैं, ठीक, तो शरीयत में तो खैर कहीं भी हो वो ईद नाच गाने तो हर जगह नाजायज़ है, तो नाजायज़ हैं। ये मैरिज हॉल है, आमतौर पर लोग आते हैं, शादी ब्याह होती है, बच्चे खेलते भी हैं, तो बस यहीं तक डिपेंड है, तो साल में एक मरतबा हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर ये वक्फ़ की हुई ज़मीन होती ईदगाह के लिए, तब अगर यहाँ पर मैरिज हॉल होता तो इस पर सवाल उठ सकता था। इससे पहले बताया कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की हिकमत क्या थी, सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि मुसलमान की इज्तिमाइयत, उसकी मेजॉरिटी का रोबो दबदबा कायम हो। आज हम जिस कदर इंतशार के शिकार हैं, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, अपनी इज्तिमाइयत को दिखाएँ, अपनी मेजॉरिटी को साबित करें, तो इस वजह से आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ईद की नमाज़ टुकड़ों में पढ़ने के बजाय या रोड पर पढ़ने के बजाय एक साथ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी इज्तिमाइयत का रोबो दबदबा लोगों की निगाहों के सामने कायम करें। इसलिए मैं मुमरा और कौसा के तमाम गयूर मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, एक साथ ईद की नमाज़ पढ़ें, एक साथ गले मिलें, मोहब्बतें बांटें, खुश रहें और खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, आगे की न्यूज़ पर जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।